अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है 20 लाख रुपये तब आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस हिल्स स्टेट में है, पहाड़ी इलाका में है जैसे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है और आपका बिजनेस का टर्नओवर है 10 लाख रुपये तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका किसी भी स्टेट में बिजनेस है, आप उस बिजनेस को सप्लाई करते हैं, अगर आपका बिजनेस एक रुपया का क्यों ना हो, अगर एक रुपया का ही है तो आपको फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताया हूँ कि किस तरीके से आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे। सुराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि किस तरीके से आप जीएसटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक नया जीएसटी लेने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करना होगा gst.gov.in। तो आप इस पेज पे आके ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से जो जीएसटी सर्विस टैक्स है इस पे आप पोर्टल पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो आपको ये फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर चूज करना है आई एम एट टैक्स पेयर। इसके बाद यहाँ अपना स्टेट चूज कर लेंगे जहाँ से भी है। इसके बाद यहाँ पर बोला डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वही लोकेशन चूज करना है जहाँ आपके बिजनेस है। आप जहाँ के रहने वाले हैं वो लोकेशन अभी आपको यहाँ पे चूज नहीं करना है। जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में आप बिजनेस करते हैं, यहाँ पे आप दिल्ली चूज करेंगे न कि बिहार चूज करेंगे। इसको यहाँ पर बोल रहा है कि लीगल नेम और बिजनेस का लीगल नेम डालेंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, अगर आप इंडिविजुअली काम करते हैं या आपकी कोई शॉप है तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई सोसाइटी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। तो यहाँ पे नाम आपको सेम डालना है जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ प्रोप्राइटर के केस में हम यहाँ इंडिविजुअल का नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपको पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल एक मोबाइल नंबर आपको डालनी होगी, वो आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आप एक कैप्चा फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ले आएंगे। कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद यहाँ करेंगे प्रोसीड पे ओके। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक कोड गया हुआ, वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे केस में यहाँ मेल आईडी भी ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा है ओटीपी यहाँ सब कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पर पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोसीड ओके कर देंगे। अब देख रहे हैं कि आपका ये जो OTP है ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पासवर्ड सेव कर सकते हैं और नेवर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेवर कर देता हूँ। तो आपका इस तरीके से टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। या आप ये इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करके रख लीजिए, ये आपका मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे ओके करेंगे। यहाँ पर अब आपको TRN नंबर जो दिया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो अभी हम कॉपी किए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये जो कैप्चा है आपको कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ प्रोसीड पे ओके कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मेरे केस में आगे मैं यहाँ पर डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर सेव करेंगे प्रोसीड वाले भी ओके। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके से ये आपका जो है ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक क्रिएशन डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएशन डेट, फॉर्म नंबर, फॉर्म डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी डेट और यहाँ दे रहा है आपका स्टेटस और यहाँ जो एक्शन है एक्टिव यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस डेट से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका इसका आपका बिजनेस का यहाँ आपका लीगल नेम आ जाएगा। यहाँ आपका पैन अकाउंट नंबर जो भी पैन नंबर था वो आपको यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि मेरे केस में एक प्रोप्राइटर है जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको ट्रेड नेम डालना होगा, मतलब अपने शॉप का नेम यहाँ पे डाल देंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है।
इसको अगर आप यहाँ पे सिंगल है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेंगे। अगर पार्टनरशिप में काम है तो यहाँ पे पार्टनरशिप चूज करेंगे। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करेंगे। अगर आपका कोई सोसाइटी क्लब ट्रस्ट है तो आप यहाँ से ये वाले चूज कर लेंगे। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टेट आ गया है जहाँ पे आपका बिजनेस है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट का है। तो ऑलरेडी इस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ ही चुका था तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट रह ही रहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक रीजन चूज करना पड़ेगा कि आप GST नंबर क्यों लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप को लेना है, या जो भी प्रोपराइटर था उसकी डेथ हो गई तो उसके लिए आपको लेना है। तो अगर आप नए प्रोपराइटर बने हैं तो इसके लिए आप ले रहे हैं, या आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी है जो आपके अनुसार जो होगा यहाँ पे आप इसको चूज कर लेंगे। अगर आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप अदर चूज कर लेंगे। अदर आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे विलेज SF5 पर आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पर आपको कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आपकी डेट देनी होगी, अब किस डेट में आप ये बिजनेस शुरू किया था, जो कि आप यहाँ कैलेंडर से जाके इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वो डेट देनी है जिस डेट पे आपको लाइबिलिटी बनी है रजिस्ट्रेशन करने की। चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ 17/11/2020। इसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस टाइप के रजिस्ट्रेशन वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं टेम्परेरी आईडी का नंबर यहाँ पे डाल देंगे, यानी TRN नंबर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज की हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आप GST नंबर पहले से लिए हुए हैं तो ये आपको GST IN पहले आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर GST नंबर चूज कर लेना, GST रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, और जिससे GST का जो रजिस्ट्रेशन कब लिया था वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। वो उस सिचुएशन में किया जाता है जब प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है और उसके बाद कोई नया बंदा प्रोपराइटर बनता है। अब यहाँ एड पर क्लिक करके पहले से भी रजिस्ट्रेशन किए गए जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर एड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोपराइटर का पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कंपनी चूज किया था तो फिर आपको यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होगी, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे है प्रोपराइटर। तो इस तरीके से प्रोपराइटर का फर्स्ट नेम आ जाए, कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट नेम भी ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। प्रोपराइटर का फादर का नेम यहाँ पर आ जाएगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। प्रोपराइटर के डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी, जो कि आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रोपराइटर का मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको प्रोपराइटर का ईमेल आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है, अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर आपको उसको चूज कर लेना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। यहाँ पर डिसिग्नेशन स्टेट यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्टर इंटरफेरेंस नंबर है, जो भी वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर प्रोपराइटर है जिसका बिजनेस में क्या स्टेटस है, क्या डिसिग्नेशन, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि ये प्रोपराइटर है तो यहाँ पर मैं प्रोपराइटर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है। जैसे ही हम आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, इसके बाद लाइफ लेबोरेटरी पार्टनरशिप। तो इस तरीके से इसको देना जरूरी है, मगर ये प्रोपराइटर में यहाँ पर देना जरूरी नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, अगर है तो यस रखेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। हम है तो यहाँ पर इसको हम यस रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर आधार नंबर भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आधार नंबर देंगे तो एप्लीकेशन के लास्ट में आपको ई साइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए OTP के लिए। इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जो आप कहाँ का रहने वाले वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर आ जाएगा, यहाँ फ्लोर नंबर डाल देना है। ऑलरेडी यहाँ पर आपको जो नाम वगैरह यहाँ पर आ चुका है, स्टेट रोड यहाँ पर आ चुका है, सिटी वगैरह यहाँ पर डाल देना अगर नहीं आता है तो। इसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी आ चुका है, स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है वो यहाँ से चूज कर लेना। पिन कोड ऑलरेडी आ चुका है, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोपराइटर का एक इमेज अपलोड करना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम साइज यहाँ देख रहे हैं कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनकी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अगर इनका सिग्नेचर बिजनेस में इम्पोर्टेंट है,
ऑथराइज्ड है तो सिंपली इसको हम ऑन करेंगे और आगे आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर ओके करेंगे। अब जबकि हम के यहाँ पर चूज किए थे कि हमका ये सिग्नेचर ऑथराइज कंपनी में कंपलसरी है, हम चूज किया था कि ये ऑथराइज सिग्नेचर ही है, मतलब कि बिजनेस में इसके सिग्नेचर की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर प्राइमरी पर क्लिक कर देना है कि ये प्राइमरी है। लेकिन अगर वहाँ पर आप इस कॉलम को ऑफ रखेंगे तो आपको ये जो कॉलम है इसको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको नीचे आइए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अथॉराइजरी का यहाँ सिग्नेचर कोई प्रूफ नहीं देना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एड न्यू किसी और को यहाँ पर ऐड करेंगे, एड न्यू पर क्लिक करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर अथॉराइज सिग्नेचरी के लिए, तब आपको उसका यहाँ पे एक प्रूफ देना होगा। इसके बाद इसका पूरा यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे अथॉराइज्ड सिग्नेचरी का यहाँ से इसको एक प्रूफ देना होगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, इसमें आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चूज कर लेंगे। इस तरीके से लेटर आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ सिंपली हमको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। लेकिन हमारे बिजनेस में एक ही अथॉराइज्ड सिग्नेचर है तो वो है प्रोप्राइटर, तो यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे, सारी डिटेल आ गए यहाँ पर अथॉराइज्ड सिग्नेचर की जो कि प्रोप्राइटर है। तो यहाँ पर सिंपली हम नीचे आके यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि आपको कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस को आपको रिप्रेजेंट करता हो। अगर है तो इसको आप यस करेंगे तो आपको उसका डिटेल यहाँ पर देनी होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली इसको हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर ओके करेंगे। अब आपको अपना बिजनेस का जो प्लेस है उसको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, यहाँ देख रहे हैं कि परमिशनल बिल्डिंग नंबर डाल देना है, स्टेट, रोड, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, विलेज और स्टेट बिहार आ ही चुका है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेना, पिन कोड यहाँ डाल देना है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ को आपको चूज करना होगा नेचर ऑफ पजेशन, मतलब कि आप जहाँ भी आपका जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर आपका कब्जा है, तो कब्जा किस तरीके का है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कंसेंट है या लीज पे लिया हुआ है या ऑनर है खुद है, तो यहाँ पे अपना है, रेंट पे लिया हुआ है या शेयर है या अदर है, तो जो भी है आपको इसमें से चूज कर लेना है। तो इस तरीके से चूज कर लेना या किसी और तरीके से आपका इस पर कब्जा है, किस तरीके से कब्जा है इस पर आपको चूज कर लेना। जैसे आप रेंट पर लिए हुए हैं तो यहाँ पर रेंट पले पर ओके करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ देना होगा अपने बिजनेस का, जो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स और रेंट लीज एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट एंड NOC, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देंगे वो आपको अपलोड भी करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप फाइल को चूज करके यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ PDF और JPG फाइल में होना चाहिए, और देख रहे हैं कि अपलोड है आपका 0.MB से ज़्यादा का फाइल ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर चूज फाइल पर ओके करेंगे, जहाँ भी आपका फाइल रखा हुआ यहाँ से चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फाइल आपका देख रहे हैं अपलोड हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, अपने बिजनेस नेचर और बिजनेस का एक्टिविटी बतानी होगी, तो यहाँ पर बतानी होगी किस तरीके से आप बिजनेस करते हैं। आप यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज कर लेनी है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कोई आप रिटेल बिजनेस है या लीज बिजनेस है या फैक्ट्री मैन्युफैक्चर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि EOU है, इम्पोर्ट है, ऑफिस सेल ऑफिस है, व्हेलर हाउस है, डिपॉजिट है, एक्सपोर्ट है, सप्लाई एंड सर्विस है। तो किस टाइप का बिजनेस है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा है तो इस पर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे। अगर ये आपका बिजनेस एक से ज़्यादा जगह पर नहीं है, सिंपली इसको हम ऑफ ही रहने देंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सेवन कंटिन्यू के बाद यहाँ पर दूसरी जगह की लोकेशन भी डालनी होगी। लेकिन जब हमारा बिजनेस एक ही जगह पर है तो इसको हम नो रखेंगे। तो इसके बाद हमको यहाँ सेवन कंटिन्यू पर ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है जिसमें कहा गया है यहाँ पे आपको कोई एडिशनल प्लेस है, मतलब कि अगर आप कहीं और जगह पर बिजनेस करते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे बैक जाएंगे और इसको आप यस करेंगे और आपको यहाँ पे उस प्लेस का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरा बिजनेस एक ही जगह पर है तो हम उसको नो रखेंगे और सिंपली यहाँ कंटिन्यू पर हम ओके कर देंगे। आप बिजनेस करते हैं, किस टाइप का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर गुड प्रोवाइड का मतलब कि प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको 5 गुड्स के नाम यहाँ पे आपको डाल देनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको 5 सर्विस का यहाँ पे नाम आपको डाल देनी है, या आप यहाँ पे HSN नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ आपका सूज का शब्द, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूज, तो यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जो आप अपने यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से शूज की दुकान है, मतलब जूता चप्पल की दुकान है। तो किसी के वो एक जगह को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसका HSN कोड यहाँ पे आप देखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जिस टाइप की जो है सर्विस है यहाँ पर आप सर्च करेंगे और टोटल 5 आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर गुड सर्विस एंड गुड टोटल 5 जो ऐड करने के बाद, तो आप सिंपली आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो सिंपली चलिए यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मैं जो थर्ड सिग्नेचर में और इसका मैं दिया था नाम दे दूँ, यहाँ पर यस होके आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी ओके हो चुका है, यहाँ हम सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओके आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक कंसेंट देंगे, कंसेंट देने के बाद तो यहाँ पर हमने थोड़ा सिग्नेचर में इनको ऐड किया है, तो सिंपली हम इसको ओके करेंगे। तो इस तरीके से नाम आप इनका सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप प्लेस डालेंगे जहाँ से है। अगर आपका बोल रहा है कि यहाँ कोई कंपनी है LLP है तो यहाँ पे आप सबमिट विद DSCP ओके करेंगे, जिसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रूफ करनी होगी। लेकिन अगर आपको प्रोप्राइटरशिप है जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है हमारे केस में, तो इस तरीके से यहाँ सबमिट विद EVM ओके करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बोल रहा है कि OTP, तो मेरे मोबाइल पर OTP दिया आया हुआ, मैं इसको OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर जो है आपका कोड गया हुआ, चलिए मोबाइल नंबर से मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। यहाँ बोल रहा है कि वैलिडेट OTP, तो यहाँ पर सिंपली आप वैलिडेट OTP को ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर ओके कीजिए तो आप देख रहे हैं कि आपका ये सक्सेसफुली ऑलरेडी हो चुका है और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो गई है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सक्सेस का जो ऑप्शन है वो लिखा के आ चुका है और साथ ही आपको यहाँ एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर ARN भी आपका आ चुका है। तो ARN नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको शॉर्टली में सेंड कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके ईमेल ID या मोबाइल नंबर पे भी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब ARN नंबर सेंड कर दिया जाएगा। उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेव करके रख लेंगे, वो आपको बहुत काम की चीज़ है। कभी भी आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, GST.gov.in पे आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इसमें ओके कर देना है। इसको यहाँ देख रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन का, आप इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना ARN नंबर डालेंगे, जैसे ही आपके केस में यहाँ पर आ जाएगा जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे ये जो आपका नंबर था, ये जो क्या बोल रहे हैं, ये ARN नंबर था, जैसे ही आ जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना जो ARN नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद सिंपली बहुत कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल के हम सर्च कर देंगे तो आपका जो भी स्टेटस है यहाँ आपका शो कर देगा। तो इस तरीके से जैसे ही आपका यहाँ पर शो कर देगा या प्रूफ हो जाएगा आपका, तो आपका ARN नंबर, तो आपको ARN नंबर और आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पर आपको ARN नंबर भेजा जाएगा। तो आप इसी तरीके से सर्विस में आएंगे, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर और यहीं पर आपका ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, तो यहीं से आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। इस बार आपको ARN नंबर आएगा, ARN नंबर डाल के आपको चूज करना है तो आपको जो भी एक्टिविटी है यहाँ पर आपको शो कर देगा और यहीं से भी आप अपना GST सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।